आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरों के बीच हवाई यात्रा का बुरा असर, दुनिया भर में 11,500 उड़ाने रद्द। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी बोली, इतिहास को चुटलाया जा रहा है। तीन दिन के यूपी दौरे पर रहेगी चुनाव आयोग की टीम, आज शाम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक। आईआईटी कानपुर में पीएम मोदी बोले, पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। खबर औरैया से है, जहां विधुना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का नगर और क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लोगों के पहले की सरकारों के घोटाले के बारे में बताते हुए कहा कि अगर जनता फिर से विरोधी दलों के झांसे में आई तो पुराने दिन खोने पड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश की जनता सुकून महसूस कर रही है। इम्तहान अभी बाकी है, हमारे सबके उमंगों का त्योहार अभी बाकी है। अभी तो राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ की ये झांकी है, आगे ये बहुत कुछ अभी बाकी है। और इसलिए मेरे भैया राधे राधे कहना है और जय श्री राम का नारा लगाना है। इसलिए जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, ऐसे मोदी और योगी के लिए जोर तालियां बजाना है। आज कोई भी जाकर चक्कर नहीं चलाता है, आज कोई भी टोपी पहने नहीं घूमता है, तो आखिर क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है कि 18% के सामने 80% वोट बैंक हो गया है मित्रों, यह कारण है। इसलिए हम सबको इस बात को समझना है मित्रों, सरकार जिसकी होती है उसकी मानसिकता से चलती है। हमने दिल्ली में सरकार बनाई, हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में यही योगी आदित्यनाथ जी। मित्रों आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से लोग भगवा से चिढ़ते थे, जो हमारी यात्राएं निकलती थी, हमारी कांवड़ियों की यात्रा जो भगवान बहनकर जो पश्चिम में जाती थी, हर हर महादेव का नारा लगाती थी, तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, लेकिन दुर्गा विसर्जन यात्रा निकलती थी उनको श्रद्धालुओं की हत्या तक कर दी जाती थी। मित्रों हमारे कन्नौज में ही हत्या में एक महेश कुशवाहा नाम के एक हमारे कार्यकर्ता की हत्या वो दुर्गा विसर्जन यात्रा में हुई थी। मित्रों यह सब इस प्रकार से लोग चिढ़ते थे, भगवान से किस प्रकार का चिढ़ थी। ये मित्रों मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं बजने देते थे, लेकिन वही स्थिति मित्रों जिनको भगवान से चिढ़ थी, हम सब ने मिलकर भगवादारी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। मित्रों उत्तर प्रदेश भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंची है बुलंदशहर, जहां इस यात्रा में मौजूदा विधायकों और टिकट के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए शहर में जगह जगह लगाए होल्डिंग्स और बैनर लगाए गए। इस यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कार्यकर्ताओं से चुनावी की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। 19 दिसंबर को बीजेपी ने एक जनविश्वास यात्रा का आगाज किया था, जिसको 6 शहरों से उसका आगाज किया गया था। बीजेपी के दिग्गज 57 नेताओं ने उस रैली को वहां पर हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद आज बुलंदशहर वो रैली पहुंची है। भारी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां से बुलंदशहर का ये सबसे मुख्य चौराहे में से एक कालाम कितने भव्य तरीके से यहाँ पर इसको सजाया गया है। और यहाँ से अब तक कुछ ही दूर में भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, सातों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ सांसद और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर अभी तक कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। भारी तादाद में देखिए सामने सुंदर सुंदर नृत्य प्रत्यय किए जा रहे हैं यहाँ पर, और झांकियों का तमाम जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर्षोल्लास।
महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन पहुंचे हैं भाजपा सांसद साक्षी महाराज। बिना मास्क लगाए सम्मेलन में शामिल हुए और जब उनसे पूछा गया कि वो बिना मास्क लगाए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है, तो साक्षी महाराज का जवाब था कि टालते हुए दिखे और कहा कि नाइट कर्फ्यू लगने का मतलब है कि जनता को कर्फ्यू के लिए तैयार करना है। मैंने कहा हम तलवार वाले कहाँ हैं, तलवार वाले हमारे क्षत्रिय लोग थे, पहले की योद्धा थे, अलाउद्दीन की जमीन है वो सब हमने चला के पहले दे दिया, लेकिन वो तलवार गदा हथियार फिर न उठाना पड़े हम लोग। खबर गाजीपुर से है जहां पर हाल ही में बीजेपी शामिल हुए पूर्व मंत्री विजय मिश्रा के बयान दिया है, जहां पूर्व मंत्री विजय मिश्रा ने कहा कि प्रदेश और देश भर में बीजेपी सरकार ने विकास को नया आयाम दिया जिसकी विपक्ष देश को तोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेगी, जहाँ बीजेपी में शामिल होने के बाद विजय मिश्रा गाजीपुर पहुंचे और रोड शो भी किया। जिस विकास का सपना मैंने देखा गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर फोर लेन से जुड़े, उस विकास को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने और माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो गाजीपुर के विकास को एक नया आयाम दिया, विकास के मुद्दे पे चाहे वो उत्तर प्रदेश का विकास हो, गाजीपुर का विशेष विकास हो या देश का विकास हो, सिवाय एक पार्टी इस समय चिंतन करते हुए दिख रही थी, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैंने मोदी जी के और योगी जी के हाथों। खबर मैनपुरी से है जहां कलेक्ट्रेट सभागार में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने साल 2020 में जनपद के टॉप 10 छात्राओं को टैबलेट और 21,000 रुपए दिए जो कि डीवीटी खाते के माध्यम से छात्रों के खाते में डाली गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं को टैबलेट देने और उनकी शिक्षा में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों को पूरे प्रदेश में लैपटॉप और मोबाइल टैबलेट और मोबाइल सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। 21,000 रुपया उनके खाते में जमा कराई जा रही है। नौजवानों को, खासकर हमारे बेरोजगार नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है, जिसकी सराहना हमारा पूरा प्रदेश इस समय कर रहा है। ये उसी क्रम में कुशीनगर में सम्मान समारोह के दौरान सांसद सहित विधायक कस्या और फाजल नगर उपस्थित रहे, जहां कुशीनगर माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा साल 2020 के मेधावी छात्र छात्राओं को जन स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया, जहां 26 छात्राओं को टैबलेट के साथ 21,000 का चेक वितरण किया गया। ये संदेश है उत्तर प्रदेश के सभी जो शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, उनका उत्साहवर्धन है तो मनोबल बढ़ाने के लिए, और 32,804 इस ज़िले में 32,804 की संख्या में जो यहाँ डिग्री कॉलेज में हैं शिक्षारत, उनको स्किल डेवलपमेंट मिशन में जो ट्रेनिंग लिए हैं उनको, इंजीनियरिंग और मेडिकल तो यहाँ नहीं है लेकिन लॉ जो कर रहे हैं उनको। खबर चंदौली से है जहां सदर ब्लॉक के मधुपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह चौहान चौपाल लगाया गया, जहां उन्होंने लोगों को सरकारी व लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां जिला पंचायत का विकास नहीं पहुंचा। आगे उन्होंने कहा कि वो गरीबों और जरूरतमंदों के नेत्र परीक्षण के लिए 2 दिसंबर को पचफेड़वा के पास महाकैंप लगवा रहे हैं ताकि लोगों को दुनिया देखने का दोबारा मौका मिले। खबर अलीगढ़ से है जहां थाना बन्ना देवी में भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान पूर्व मेयर ने बताया कि राकेश नाम का मजदूर व्यक्ति प्रदर्शनी के बाहर रेड्डी लगाकर
अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन प्रदर्शनी के ठेकेदार गरीब मजदूरों से जबरन वसूली करने पहुंच गए, जिसके साथ एक दरोगा भी वहां मौजूद था, जिस पर मजदूर ने जब रुपए देने से इनकार किया तो दबंगों के उसके साथ बेरहमी से मारपीट करके उसका हाथ तोड़ दिया। बहन जी, एक मामला सामने आया, किस तरीके का मामला है? देखिए, राकेश नाम का एक मजदूर व्यक्ति है जो कि रेड़ी लगाता है, और रेड़ी पर वो क्या बोलते हैं, ये जो नाम खताई बेचता है। नवाब नाम का जो ठेकेदार है वो गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा है, वो अपने आप को गुंडा समझता है और यहाँ अलीगढ़ में आकर के गुंडा ही करता है। वो उसने जबकि वो सीमा से बाहर ठेली लगा रहा है, और सीमा से बाहर ठेली लगाने पर उसका 500 रुपये का चालान काट दिया। उसने कहा कि अभी तो मेरी दुकानदारी भी नहीं हुई है, मैं इतना कहाँ से दे दूँगा, कैसे दे दूँगा। तो उसके लिए बुरी तरीके से मारा पीटा और उसकी ठेली फेंक दी, और इतना ही नहीं, उसका हाथ बिल्कुल अलग हो गया। भैया ना, हाथ बिल्कुल अलग हो गया है, मैं आपको फोटो देती हूँ उसका, बहुत बुरा हाल है। अभी डॉक्टरी मायने के लिए भेजा है उसके लिए, और इतना ही नहीं, उसका गल्ला पल्ला सब फेंक दिया, लूट लिया, सब कुछ कर लिया इन लोगों ने, और बेहोशी अवस्था में उसे छोड़ करके ये लोग गए। मैं तुम्हारा राजेश नाम है। राजेश, कहाँ रहते हो? रहता तो गाँव में, काम करने आया मैं। कहाँ पर? इनके यहाँ श्याम एजेंसी पैकारी पे ठगी लगाई मैंने। किस चीज़ की लगाई? नाम कटाई की। अच्छा, फिर ये हुआ क्या है तुम्हारे? उन्होंने बात करी गई, बोलते पर्ची दे दो, मैं कहा अभी मैं आया हूँ, अभी पहले पहले मैं दे दूँगा, पर्ची काट देंगे। उनने कुछ ना पूछी, फिर मार कुछ गिरा के हाथ पाँच सब हिला दिए मेरे। तो ये किसने मारा पीटी करी थी तुम्हारे? ठेकेदार आए थे, पर्ची को काटते हैं वो। खबर चंदौली से है, जहां शासन के निर्देश पर एसएमसी प्रबंध समिति के तहत उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम के ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान, प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल शामिल हुए। ये कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद यादव के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज शासन के निर्देश के क्रम में विकासखंड स्तर पर पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम संचालित है, जो विभिन्न डेटों में, उसी के क्रम में एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति के उन्मुखीकरण हेतु एक संगोष्ठी जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर पर रखी जानी थी, जो ब्लॉक के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित होना था, तो उसी के कैंपस में प्राथमिक विद्यालय साहबगंज के प्रांगण में एसएमसी उन्मुखीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हमारे मुख्य अतिथि थे, सीडीपीओ सर, हमारे बीएसए महोदय को भी बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम कई जगह था। मऊ में अखिल भारतीय वार्षिक गोंड महासभा के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया, साथ ही गोंड महासभा के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर ही सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। गोंड समाज के लोगों ने अपने अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं जारी होने को लेकर तकरीबन 40 दिनों से तहसील परिसर में धरना दे रहे थे, जिसके बाद गोंड महासभा का गुस्सा आज फूट पड़ा। अधिकारियों ने जब गोंड महासभा की आवाज नहीं सुनी तो बड़ी संख्या में अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही सदर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और महासभा के बीच बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल सका, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द लोगों के प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। सीओ साहब थे, दोनों लोग थे, अभी डीएम साहब से, एडीएम सदर, उनसे मोबाइल से ऑनलाइन बात हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल शाम तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, परसों 11 बजे तक आपको जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। एक हफ्ता का माना, आज सीओ साहब बोले हैं कि अगर से नहीं देते तो मैं भी, इनको एसएसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी बोला है कि इनसे एक बार टाइम मांग लो, बाकी इनकी मर्जी ये करें ना। यहाँ पर अभी तहसीलदार एसडीओ साहब आए थे, उन्होंने बताया है कि कल ले लिया जो इनके आवेदन है उनका निस्तारण कर देंगे, और इसलिए लोगों ने भी माना है कि कब तक का समय दिया है, और परसों एसडीएम साहब तहसीलदार साहब स्वयं उनको प्रतिज्ञा दे देंगे, और
जो साक्ष्य है उसके आधार पर जारी होने लायक होगा तो जारी होगा, अगर नहीं होगा तो कारण बताएं। अभी फोन पे बात कराया जाएगा, किसे किसे कराया था? एसडीएम साहब खुद ही आए थे और दोबारा भी लोगों को पुष्टि की गई। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब जब कल का समय खबर आ रही ऐसी है जहां पर एक साइकिल चलाने वाले युवक के पास आरटीओ ने रोड टैक्स के 1.51 लाख रुपए का नोटिस भेजा। दरअसल सुधीर के पिता सुरेश जत एक धर्मशाला में चौकीदारी करते हैं, जहां एक युवक और उसके पिता दोनों ही एक ही साइकिल चलाकर काम पर जाते हैं। आरटीओ ने रोड टैक्स के लिए नोटिस भेज दिया है और आरटीओ ने और एस ने 16 सितम्बर को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नोटिस जारी किया था। खबर संभल से है जहां चंदौसी कोतवाली में कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी के बेटे और के झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप में महिलाओं और बच्चों के थाने में घेराव किया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पैसा लेने के बावजूद नाबालिग किशोर पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसको लेकर सैकड़ों लोगों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को थाने में लाकर एसएचओ की टेबल पर रखते हुए न्याय की गुहार लगाई है। 21/12 को एक मुकदमा की तहरीर आई थी जो क्राइम नंबर 584 पे अंकित की गई, जिसमें धारा 34, 307, 323, 504, 506 अंकित की गई और जिसमें तीन लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर थी जो विकास कुमार द्वारा दी गई थी। उसमें जो है आशु अंकुश भाषणे और जॉन डी और सूर्या टनाटन इन लोगों के खिलाफ दी गई थी। अब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष हैं, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, वो संतुष्ट होके अपने वापस घर चले। खबर कानपुर देहात से है जहां हिस्ट्री शीतर के साथ सिपाही का जन्मदिन मनाते हुए दिखे राजपुर थाना अध्यक्ष कपिल दुबे और पुलिसकर्मी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसओ कपिल दुबे के साथ फोटो में मौजूद हैं, जहां हिस्ट्री शीतर अनिल उर्फ कल्लू ने थाना राजपुर परिसर में केक काटा। सिपाही अर्जुन सिंह के जन्मदिन का केक फोटो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच के आदेश दिए और सीओ सिकंदरा के मामले की जाँच सौंपी गयी। खबर आगरा से है जहां आगरा किला के सामने विक्टोरिया पार्क से पुरानी मंडी जाने वाली रोड पर भीषण हादसा हो गया, जहां दो कारें आपस में इतनी तेजी से टकराई कि दोनों गाड़ियों के पहिए निकल गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि नशे में धुत एक कार सवार गाड़ी से उतर कर फरार हो गया। खबर देवरिया से है जहां गौरी बाजार थाना रुद्रपुर से तेल खाली करके टैंकर गौरी बाजार की तरफ जा रहा था, तभी वो गौरी बाजार ओवरब्रिज पर अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई, जहां जिस टैंकर सवार तीनों युवक फंस गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को टैंकर से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां थाना नीमगांव पुलिस में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां खेत में हुए हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बताया कि मृतक ने आरोपी को पांच भाइयों को मुखबिर की सूचना पर पकड़वा दिया था, जिस पर गुस्साए आरोपी ने गन्ने के खेत के पास सुनील नाम के युवक की डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।